सबसे पहले खबर वो जिसको सुनकर हर भारतीय का सर फख्र से और ऊंचा उठता दिखाई देगा। चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई है और आने वाला एक एक दिन एक एक घंटा भारत के लिए अहम होने जा रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि अगले चार दिनों के भीतर भारत वो इतिहास रचेगा जो पहली बार होने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। कैसे होगा ये मुमकिन, आपको हम अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। विश्वसनीय, अकल्पनीय, अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां अब भारत पहुंचेगा। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, इसरो दुनिया को साक्षात दिखाएगा। ये मुमकिन होगा चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। जिस वक्त चंद्रमा की सतह को भारत का चंद्रयान छुएगा, उस वक्त भारत के आसमान में भले ही चांद डूबा होगा, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चांद पर सूरज जैसे चमक उठेगा। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा जो रहस्यों से भरा है। दुनिया अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है, वहां कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मगर दुनिया अब तक उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे।
अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। शुक्रवार को चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया और कल डी बूस्टिंग यानी कि इस यान की गति को धीमी करने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी और इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान का लैंडर चांद पर लैंड कर सकता है और चंद्रयान 3 उस मिशन में लग जाएगा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आखिर होगा क्या, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम। बस कुछ घंटों में भारत रचेगा इतिहास। इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के बेहद करीब भेज दिया। 18 अगस्त को डी बूस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई। डी बूस्टिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करना। अब चंद्रयान 3 की दूरी चंद्रमा से महज 113 किलोमीटर रह गई है। अब 20 अगस्त को 2 बजे फिर से लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग होगी, जिसके बाद चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। चंद्रयान में डी बूस्टिंग यानी चंद्रयान की गति को कम करने की प्रक्रिया लैंडर के चार पैरों के पास लगे 800 न्यूटन ताकत पैदा करने वाले थ्रस्टर की बदौलत होगी। दो दो थ्रस्टर दो चरण में काम करेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी और धीरे धीरे ये दूरी कम होगी। 23 अगस्त को 5:47 पर सबसे कम दूरी में विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी रहने पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग के दौरान लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी है। अभी अगर उसकी अनुमानित करें तो लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से है, जिसको सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान रिड्यूस करके 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम कर दिया जाएगा और तभी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी।